हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हमने डायमंड का आर्मर बनाया था और उसके बाद उसको एंजेटमेंट भी फुल्ली किया था हमने। तो क्या हुआ ना दोस्तों, हमारे जो चेस्ट प्लेट और हेलमेट प्लेट को हमने एंजेटमेंट तो पूरी तरीके से कर दिया था, लेकिन पैंट और बूट्स को हमने एंजेटमेंट नहीं कर पाया। वो क्या ना, हमारे पास पूरी तरीके से लेवल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा जो स्वॉर्ड है उसको हमने एंजेटमेंट किया और उसमें शार्पनेस 4 का एंजेटमेंट लग चुका है दोस्तों, और साथ ही साथ फायर एस्पेक्ट का एंजेटमेंट भी लग चुका है। अभी दोस्तों हमारे पास बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है और साथ ही साथ हमारे पास बहुत ही पावरफुल तगड़ा आर्मर भी है दोस्तों। हमारे पास वो भी डायमंड का फुल्ली एंजेंटेड आर्मर हमारे पास है दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या ना, हम एंटर ड्रैगन को भी मार सकते हैं, उतना आर्मर तो हमारे पास हो चुका है, लेकिन अभी एंटर ड्रैगन को अभी नहीं मारेंगे, बाद में उसको मारेंगे। तो दोस्तों आज क्या है ना, आज हम एक न्यू घर बनाने वाले हैं। मतलब हमारा जो घर है वो बहुत ही ज्यादा मतलब छोटा हो चुका है, आप सब लोगों को पता है वो विलेजर लोगों का घर ही है, उधर ही मैं अभी तक रहता था। अभी तक मैंने एक घर जो है नहीं बनाया दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है, हम 10 एपिसोड के बाद आज हम फाइनली एक घर बनाने वाले हैं। अब सब लोगों को याद होगा मैं इसी घर में रहता हूँ। उधर क्या हुआ ना, उधर मतलब सामान रखने का जगह ज्यादा नहीं था, मतलब चेस्ट वगैरह में ज्यादा नहीं रख पाता था, तो इसीलिए वो घर मेरे को छोटा पड़ रहा अभी क्या ना। तो दोस्तों आज फाइनली हम एक घर बनाएंगे, इधर ही घर बनाएंगे, बहुत ही बड़ा घर बनाने वाले हैं, तो काफी ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही ज्यादा चेस्ट भी उधर रखने वाला हूँ, ताकि मैं बहुत ज्यादा सामान जो है उधर रख पाऊँ। तो दोस्तों पूरे के पूरे 10 एपिसोड के बाद आज हम फाइनली घर बनाने वाले हैं, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या ना, मेरे को थोड़ा सा वीट का जरूरत पड़ गया, आप इधर देख सकते हो। अभी हमारा जो वीट का फार्म है पूरी तरीके से लगभग उग चुका है, तो इधर से जितना भी वीट मिलता है वो सारे को वीट कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इधर से जितना भी वीट मिलता है उन सारे वीट को मैंने अभी कलेक्ट कर लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ सीड प्लांट करना ही बाकी है दोस्तों। अभी मेरे को ये जो मतलब ये जो मैंने फॉर्म बनाया ना, ये वीट का फॉर्म, ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो जा रहा है, और उसके बाद और भी मेरे पास दूसरा फॉर्म है उधर, आप लोगों को याद होगा। तो ये फॉर्म मेरे को काफी ज्यादा छोटा हो जा रहा है, मतलब बहुत ही कम वीट मेरे को मिल रहा था दोस्तों। अभी क्या ना, इस वीट का मतलब ये जो फॉर्म है ना, इसको भी बड़ा करना है, ताकि हमको क्या ना एक ही बार में काफी ज्यादा मिल सके। और मेरे को पोटेटो फॉर्म आप देख सकते हो, ये जो फॉर्म है ना, इसको भी मेरे को काफी ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी मेरे को काफी कम मिलता है। ये पोटेटो का फॉर्म भी मेरे को बड़ा करना है दोस्तों, इससे भी मेरे को काफी ज्यादा कम पोटेटो मिलता है, आप देख सकते हो। पूरे को पूरे 50 पोटेटो मेरे को मिला है और वीट जो है 28 ही मिला है दोस्तों, जैसे कि आप उधर देख सकते हो। अभी क्या ना, ये दोनों फॉर्म को भी मेरे को बहुत ही ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि क्या ना मेरे को एक ही बार में काफी ज्यादा मतलब पोटेटो और वीट मिल सके। तो दोस्तों अभी क्या ना, अभी हम एक घर बनाएंगे, क्योंकि हम अभी तक हमने एक भी घर जो है नहीं बनाया। अभी तक हम क्या ना विलेजर्स लोगों का एक घर के पास ही रह रहा था, तो आज हम फाइनली एक घर जो है बनाने वाले, तो इसको बाद में हम जो क्या ना बाद में हम अपग्रेड करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे, तो तब तक इसको ऐसे रहने देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हमारा जो शुगर कैन है ये भी पूरी तरीके से अब उग चुका है, आप इधर देख सकते हो पूरी तरीके से ये उग चुका है। तो इधर से भी क्या ना शुगर कैन थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर से मैंने पूरी तरीके से शुगर कैन जो है कलेक्ट कर लिया, आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हमारे जो शुगर कैन है ये तो हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से ही मिल रहा, लेकिन इसको भी क्या ना बड़ा करने की जरूरत है, तो बाद में इसको भी हम बड़ा करेंगे, लेकिन इसका उतना जरूरत नहीं है मतलब अभी के लिए, बाद में हम अपग्रेड करेंगे। आप इधर से देख सकते हो, हमारा जो वीट दूसरा वीट फॉर्म है वो भी पूरी तरीके से उग चुका है, तो उधर से भी वीट कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इधर से हमारे जितना भी वीट मिलता है उन सारे वीट को मैंने कलेक्ट कर लिया और सीड्स को भी मैंने प्लांट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मेरे को पूरे का पूरे 55 जो वीट है 55 मिल चुका है, और सीड्स 41, और पोटैटो 50 मिला, और शुगर कैन भी बहुत ही अच्छा खासा मिल गया है दोस्तों। हमारा अभी जितना भी फार्म है उन सारे फार्म से हमने पूरी तरीके से मतलब कलेक्ट कर चुके हैं। अभी जल्दी से जल्दी इसको मैं चेस्ट में संभाल कर रख देता हूँ, बाद में हमको यूज पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या ना, उसके बाद में इसको अपग्रेड करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हो, हमारा जो गाय फॉर्म है ये भी बहुत ही ज्यादा मतलब गाय लोग भी बहुत ही ज्यादा कम हो जा रहा है, जैसे कि आप उधर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मेरे को जितना भी सामान मिला उन सारे सामान को मैंने संभाल कर चेस्ट में रख दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मेरे को क्या ना थोड़ा सा पोटैटोस भी कुक करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम पोटैटोस है, और मेरे पास कुकड बीफ है, मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कुक बीफ को मार दिया था, आप सब लोगों को याद होगा, काफ़ी ज़्यादा मैंने गायलों को मारा था और काफ़ी ज़्यादा बीफ मेरे को मिल चुका था, आप जैसे कि इधर देख सकते हो। लेकिन हम बीफ जो है नहीं खाने वाले दोस्तों, हम पूरे का पूरा वेजिटेरियन है, हम सिर्फ और सिर्फ पोटैटो खाते हैं, आप देख सकते हो। मैंने इसीलिए पोटैटो को कुक करने के लिए रख दिया, ताकि क्या है ना पोटैटोस जब कुक हो जाएंगे ना पूरी तरीके से, आप लोगों को ज़्यादा हेल्थ जो है बढ़ता है। तो आप देख सकते हो इधर से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब मीट है, लेकिन मैं मीट खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाता हूँ, आप सब लोगों को पता होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पोटैटो खाता हूँ। मतलब क्या ना, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाने में काफ़ी मतलब अलग ही मज़ा है दोस्तों, आप भी ट्राई करिएगा। तो इसीलिए मेरा जो पोटैटो है वो मैंने कुक करने के लिए रख दिया था, अभी इसको कुक होने देते हैं। अभी जल्दी से जल्दी हम घर बनाएंगे सबसे पहले।
तो दोस्तों मैं क्या ना इधर ही घर बनाने का सोच रहा, अभी आप देख सकते हो अभी ये पूरी तरीके से मतलब लगभग पूरी तरीके से जंगल है, इधर छोटा सा एरिया जो है खाली है। अभी क्या ना इसके बाद में हमको वुड का भी ज़रूरत पड़ने वाला, तो धीरे धीरे हमको वुड भी कलेक्ट करते रहेंगे और इस जंगल को पूरी तरीके से मतलब ख़त्म कर देंगे एक टाइप का। और हमारा जो घर है इधर ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कॉबलस्टोन, आप देख सकते हो कॉबलस्टोन और प्लैंक्स से ही यूज़ करने वाला हूँ, मतलब प्लैंक्स से मतलब घर जो है बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है ना, अभी हमारे पास उतना ज़्यादा अच्छा ब्लॉक्स वगैरह नहीं है, तो इसीलिए अभी क्या है ना अभी सिर्फ और सिर्फ कॉबलस्टोन और प्लैंक से घर बना देते हैं, बाद में उसको अपग्रेड वगैरह करेंगे, बहुत ही बढ़िया बड़ा घर भी बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी के लिए कॉबलस्टोन यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप इधर देख सकते हो इधर पूरे के पूरे मैं क्या ना कॉबलस्टोन से मतलब नीचे का जो एरिया है ना, मतलब नीचे जो फ्लोर होने वाला है वो कॉबलस्टोन से मैं कर रहा हूँ, आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारे जो फ्लोर है लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या ना इधर भी मैं कॉबलस्टोन ही यूज़ करने वाला हूँ। इधर क्या ना पूरे के पूरे तीन ब्लॉक्स का हाइट जो है मैं बनाने वाला हूँ। अभी क्या ना पूरी तरीके से एक आउटलाइन बनाएंगे धीरे धीरे इधर से ही, और उसके बाद बीच में क्या ना बीच में प्लैंक्स से फिल कर देंगे, उधर भी वो क्या ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी पूरी तरीके से मैंने मतलब धीरे धीरे सब कुछ लगाना रख दिया। अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से मैंने क्या ना एक आउटलाइन टाइप का बना दिया, आप इधर देख सकते हो पूरी तरीके से आउटलाइन बना दिया। अभी क्या ना रात होने से पहले ही मेरे को घर जो है बना लेना है, क्योंकि रात होने के बाद जॉम्बीज भी आ जाएंगे, इसलिए मेरे को क्या ना काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अभी इधर एक फिल करना बाकी रह गया, इधर भी मैंने फिल कर दिया। अभी पूरी तरीके से आउटलाइन जो है बन चुका है दोस्तों। अभी ब्रिक्स से इसको मतलब जो प्लैंक से इससे पूरी तरीके से इससे कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी सिर्फ और सिर्फ सामने का जो एरिया है इसी को मतलब फिल करना बाकी है, तो जल्दी से जल्दी इसको भी प्लैंक से कवर कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी पूरी तरीके से मैंने इसको प्लैंक से कवर कर दिया, लेकिन इधर छोटा सा गड़बड़ हो गया। वो क्या ना इधर मैं दरवाज़ा लगाना ही भूल गया, इधर बीच में मेरे को फिर से मतलब तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद दरवाज़ा भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी क्या ना इधर ही मैं दरवाज़ा जो है लगाने वाला हूँ। अभी इसको धीरे धीरे मतलब सब कुछ मैंने तोड़ तो दिया, अभी दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ लेकर आना और इधर रखना है। अभी आप देख सकते हो अभी पूरी तरीके से टाइप का बढ़िया तो दिख रहा है। अभी के लिए इसको ऐसा रहने देते दोस्तों, बाद में क्या ना इसको अपग्रेड वगैरह करेंगे। तो दोस्तों ये जो स्टोन है एकदम बेकार तरीके से दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो इसको मैं तोड़ दिया। अभी जल्दी से जल्दी मेरे को एक डोर बनाना है, लेकिन मैं क्राफ्टिंग टेबल इधर ही बना देता हूँ दोस्तों। अब वैसे भी क्राफ्टिंग टेबल जो है बनाना बाकी है, तो इधर ही एक क्राफ्टिंग टेबल जो है बना देते हैं। ये बनाया क्राफ्टिंग टेबल, और इसी इधर ही हम जो है ना दरवाज़ा जो है इधर ही बना देते हैं। तो दोस्तों अभी क्या ना मैंने दरवाज़ा भी बना दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ लगाना ही बाकी है, तो दरवाज़ा भी मैंने लगा दिया जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी क्या ना मेरे को चेस्ट भी बनाना है, तो चेस्ट बनाने के लिए मैं क्या ना चेस्ट नहीं बनाने वाला, मैं बैरियर बनाने वाला हूँ दोस्तों। उससे क्या ना कम मतलब वुड क्या ना कम यूज़ होता है, तो इसीलिए बैरियर बनाएंगे और दिखने में बढ़िया तरीके से दिखेगा। लेकिन दोस्तों अभी क्या ना अभी मेरे को बेड लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उधर घर में बेड ही नहीं है, तो बेड ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो रात भी होने ही लगा है, तो सबसे पहले मैं क्या ना इधर से एक बेड बनाकर उधर लेकर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी मैंने बेड भी बना लिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी मेरे को वुड भी चाहिए होगा, और मेरे पास वुड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी इस वुड को लेकर जाते हैं उधर, हमको बहुत ज़्यादा काम भी होने आने वाला है, तो अभी से जल्दी जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो पूरी तरीके से रात भी हो चुका है दोस्तों, और आप देख सकते हो हमारा जो स्वागत के लिए इधर एक क्रीपर भी है, तो इससे बचकर जल्दी से जल्दी मेरा जो घर है उसके अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो क्रीपर फूटेगा ना, तो आप मतलब पहले दिन ही मतलब फूट जाएगा हमारा जो घर है। तो ये खोला दरवाज़ा, इधर जंप नहीं हो रहा, इधर मेरे को सीढ़ी लगाना पड़ेगा दोस्तों, तो अब जंप नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इधर एक बेड लगाने के बाद हम जल्दी से जल्दी सो जाएंगे, तो बेड जो है हम इधर ही लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं क्या ना मैं इधर बेड लगाने के सोच रहा हूँ, आप जैसे कि इधर देख सकते हो। अबे यार अभी क्या हो गया, अभी इधर हम सो भी नहीं सकते दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी पूरी तरीके से हमको चारों तरफ से जो ज़ॉम्बीज है वो भी कवर कर चुके हैं, और हमारा जो चेस्ट मतलब छत है वो भी नहीं बना, आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी क्या ना अभी मेरे को पूरी रात इधर ही वेट करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाकर ज़ॉम्बीज से फाइट लेना पड़ेगा, तो मैं अभी क्या ना वेट ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी क्या ना चारों तरफ से ज़ॉम्बीज हो गया दोस्तों, आप इधर देख सकते हो। अभी हमारा जो छत है मतलब छत भी नहीं बना है, आप देख सकते हो छत भी नहीं बना है अभी तक मैंने। तो दोस्तों अभी क्या ना सबसे पहले मैं बैरियर बना देता हूँ, ताकि ये काम क्या ना हो जाएगा। अभी देख सकते हो मैं 6 बैरियर बना सकता हूँ, तो जितना बैरियर जो मैं बना सकता हूँ उतना बैरियर जो है मैं बना लेता हूँ। 6 बैरियर मैंने बना लिया। अभी 6 बैरियर जो है ना मैं उधर रखने मतलब इधर रख किधर रखूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ना इधर ही रख देते हैं, बाद में अगर मतलब कुछ दिक्कत आ गया तो हम चेंज वगैरह कर देंगे। तो अभी के लिए इसको इधर ही रख देते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी पूरी तरीके से मैंने बैरियर जो है लगा दिया है। अभी मेरे को जो भी ज़रूरी सामान नहीं है वो सारे सामान मैं उधर रख देता हूँ। अभी तक आप देख सकते हो, अभी तक मैं सो नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। अभी तक जो जॉम्बीज है वो अभी तक पूरी तरीके से इधर ही है। तो आज का रात मेरे को इसी तरीके से पूरी तरीके से बिताना पड़ेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म होता है। तो अगर आप लोग ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।